वेलकम टू अवध हिस्ट्री सेंटर महबूबगंज। आज आप लोग मैथमेटिक्स का एक नया लेसन लर्न करेंगे, एक नए लेसन को स्टडी करेंगे जिसका नाम है अनुपात समानुपात। इसका यूज सारे लेसन में होता है, चाहे जिस लेसन में देख लीजिए मैथमेटिक्स से, अगर इसका यूज अच्छे से जानते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन हो, हर टाइप में इसका यूज करके हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन ए इंस टू बी इक्वल टू 3:4, बी इंस टू सी इक्वल टू 6:5 एंड ए इंस टू बी इंस टू सी, इसको हमको फाइंड आउट करना है, इसको ज्ञात करना है। ए इंस टू सी इसको ज्ञात करना है। इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं, एक अगर हमको ये ज्ञात करना हो और एक ए अनुपात सी ज्ञात करना है, तो इस क्वेश्चन से हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट को देखते हैं। अगर हमको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है तो क्या करेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। तो ए हो गया हमारा, देखिए ए गिवन है 3 और बी की जगह क्या है 4। फिर बी अनुपात सी दिया है, तो बी की जगह हम यहां रखेंगे 6 और सी की जगह रखेंगे 5। पहला वाला ए अनुपात बी दिया है तो यहां रखेंगे ए अनुपात बी। दूसरा वाला दिया बी अनुपात तो सी, तो इस बी के नीचे बी वाला रखेंगे और सी के नीचे सी वाला, ये प्लेस छूट जाएगा, यहां कुछ नहीं। अब देखिए इन दोनों नंबर को हमको इस तरह से करना है कि ये बराबर हो जाए। यहां हम कितने से गुणा कर दें, 2 से अगर यहां गुणा कर दें और 3 से यहां गुणा कर दें तो दोनों बराबर हो जाएगा, 6 × 12 4 × 3 = 12। अब जिस नंबर से ऊपर गुणा करेंगे तो दोनों में करेंगे, यहाँ 3 से किए तो यहाँ भी 3 से करेंगे, तो 3 × 3 ये कितना हो गया 9, ये तो 12 हो ही गया। ये भी दोनों बराबर हो गए तो एक ही बार हम बी लिखेंगे अनुपाते। फिर देखिए 2 का गुणा इधर नीचे किए हैं तो इसमें भी 2 का ही होगा, तो 5 × 10। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। चाहे तो एक तो ये तरीका है, चाहे एक तरीका और है, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखिए कितना आएगा 6 × 3 = 18। इसका गुणा इसमें करते तो 6 × 6 = 24 और इसका गुणा इसमें करते तो 5 × 20। अब ये देखिए बड़ा नंबर आया, इसको काटना भी पड़ेगा, 2 × 9 = 18, 2 से इसको काटेंगे तो 12 आएगा और 2 से इसको काटेंगे तो 10 आएगा। तो इस तरह से ये इसको काटना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ किसी भी नंबर से, ऐसे छोटे नंबर से गुणा करेंगे जिससे ये नंबर दोनों बराबर हो जाए। जिस नंबर से ऊपर गुणा किए रहेंगे उसी से इसमें भी करेंगे, जिससे नीचे किए रहेंगे उसी से इसमें भी कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। चाहे इस तरह से करें या दोनों भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमको ए और सी निकालना है, देखिए इसमें कितनी नंबर दिए गए हैं, ए बी बी सी, मीन्स कितने हैं, ए बी सी 3 ही नंबर दिए गए हैं। अगर 3 ही नंबर दिए गए हैं तो फर्स्ट और लास्ट का अनुपात हमको निकालना है। यहाँ देखिए ये सेकंड, ए और सी का अगर अनुपात निकालना है, 3 ही नंबर दिए गए हैं, ए बी सी, बी 2 बार दिया गया तो उसको एक ही काउंट किया जाएगा। ए सी अगर निकालना है तो जो नंबर दिए गए हैं उनका गुणा कर लीजिए, मीन्स अनुपात का मतलब होता है बटा, तो 3/4 मल्टीपल 6/5, 2 × 4 2 × 3 = 6, इस तरह से आ गया 9/10, ये आ गया ए अनुपात सी। अगर फर्स्ट और लास्ट का अनुपात पूछ रहा है तो जो नंबर दिए गए हैं उन्हीं का हम गुणा कर लेंगे बस। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी ये है और सी अनुपात डी 3:6 दिया है। अब इसमें पूछा जा रहा है ए बी सी डी, तो पहले हम निकालेंगे ए बी सी, ए बी सी, ए बी का अनुपात है 3:4, बी सी का है 2:3, तो ए बी सी का पहले हम निकाल लेते हैं। जैसा हम अभी बताए, इसमें आप 2 से गुणा कर दीजिए तो इसके बराबर हो गया, 2 × 4 ये भी हो गया, ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बराबर हो गया, बस इसमें भी 2 से होगा गुणा, जिससे नीचे वाले में होगा उसी से इधर भी, अगर ऊपर करना होता तो जिससे यहां करते उसी से यहां। तो चलिए ये हो गया हमारा 3, ये तो 4, 4 दोनों बराबर है ही, और यहां देखिए 3×2 = 6, तो ये हो गया
ए बी सी का अनुपात। अब ए बी सी हमारा निकल आया, अब डी वाला भी इसी में लेंगे, ए बी सी डी। ए बी सी निकल आया है 3, 4, 6, अब डी वाला और है तो डी सी अनुपाते डी कितना है 3:6, तो यहाँ 3:6 लिखेंगे। अब देखिए इसमें इस वाले नंबर को बराबर करेंगे, एक ही नंबर बचता है। देखिए इसमें क्या था, ये वाला इसके नीचे था तो इसको बराबर किए, इसमें देखिए ये वाला इसके नीचे इसको बराबर कर लेते, तो यहाँ 2 से मल्टीपल कर दिए, ये बराबर हो गया, जिससे यहाँ गुणा किया जाएगा उसी नंबर से यहाँ। चलिए ये हो गया 3:4:6 और :12, ये आ गया आपका आंसर। ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। यहाँ भी देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ए अनुपाते डी निकालना है, मीन्स फर्स्ट और लास्ट। हम अभी आप लोगों को बताए पीछे वाले क्वेश्चन में कि फर्स्ट और लास्ट का अगर अनुपात निकालना है, जैसे इसमें ए और सी, इसमें तीन ही नंबर थे ए बी सी, तो फर्स्ट और लास्ट का ए और सी हुआ। ऐसे यहाँ फर्स्ट और लास्ट क्या होगा, ए अनुपाते डी होगा, ए ए बी और सी और डी। इसमें 4 नंबर दिए गए हैं, जो 2 बार दिया गया है उसको नहीं काउंट करेंगे, 2 बार बी है तो इसको एक ही माना जाएगा, 2 बार सी है तो एक ही माना जाएगा। तो 4 दिए गए हैं, फर्स्ट और लास्ट का अनुपात पूछ रहा है, तो तीनों का गुणा कर लीजिए, जितने नंबर हैं सबका गुणा कर लीजिए, बस 3:2 and 3:6, 3:3 से कैंसिल और 2, 3 जा 3, 3 से कैंसिल, इस तरह से ये आ गया 1/4। 1/4 मीन्स क्या आ गया, 1:4, चाहे बाई में दिया रहे या इस तरह से दिया रहे, ये आ गया आपका ए अनुपाते बी। तो इस तरह से कैसे भी दिया रहे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए का 3/4 बी के 5/6 के बराबर है तथा बी का 2/3 सी के 5/2 के बराबर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या होगा, सेकंड ए अनुपाते सी क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ए एक का कामिंस गुणा होता है, तो ए का 3/4 इक्वल टू बी के 5/6। अब इसका गुणा कर लेते हैं, देखिए तिरछा गुणा होगा तो 6 × 3 = 18, तो 18a इक्वल टू इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 20b। यहां से इसको और छोटा कर लेते हैं, 2 × 9 = 18 और 2 × 20 मीन्स आ गया 9a = 10b। ये एक हो गया। दूसरा वाला देखिए कह रहा है b का 2/3 c के 5/2 के बराबर है, इसको भी ऐसे कर लेते हैं, तो ये हो गया 4b इक्वल टू 3×5 = 15 15c। ये दो एक समझ लीजिए समीकरण की तरह बन गए। अब a अनुपाते b अनुपाते c जैसा हम लोग अभी पीछे निकाले थे, a अनुपाते b अनुपाते c, देखिए जिसके सामने जो है वही उसका वैल्यू है। a के सामने देखिए क्या है 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे, b के सामने क्या है 9, तो यहाँ 9 लिखेंगे। ये a का वैल्यू हमारा बन रहा है 10, b का 9। फिर देखिए यहां से b का वैल्यू 15, b के सामने 15 है तो यहाँ 15 रखेंगे, और c के सामने क्या है 4, तो यहाँ 4, c का वैल्यू 4 हो गया। a अनुपाते b अनुपाते c निकाल लेते हैं, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे तो 15 × 3 = 45, यहाँ 5 से गुणा किए तो यहाँ 45 हो गया। जिससे ऊपर करेंगे ऊपर दोनों में करेंगे, जिससे नीचे करेंगे दोनों में करेंगे, 3 से यहाँ किए तो यहाँ भी 3 से होगा, यहाँ 5 से किए तो यहाँ भी 5 से होगा, तो 5 × 10 = 50 और 9 × 5 = 45 ये है ही, और 4 × 3 = 12। इस तरह से a अनुपाते b अनुपाते c का वैल्यू आ गया। अब कह रहा a अनुपाते c निकालना है, अगर a अनुपाते c निकालना है तो क्या करेंगे, जो दोनों का वैल्यू आया है, यहाँ देखिए क्या है, a का वैल्यू 10 था, b का वैल्यू 9 था, यहाँ देखिए c का वैल्यू क्या था 4 था, तो a अनुपाते c जब निकालना है और 3 दिया गया है, a b c 3 दिया गया है, यहाँ देखिए a हो गया b हो गया c 3 दिए गए हैं, और जब फर्स्ट और लास्ट मीन्स a और c का वैल्यू निकालना है, a अनुपाते c निकालना है, तो फर्स्ट और लास्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा देखिए a का वैल्यू कितना आया था 10, तो यहाँ 10 रखेंगे, c का वैल्यू देखिए कितना आया है 4, तो 4
नहीं सॉरी सॉरी, ये गुणा होगा तीनों का, जब ए अनुपात सी निकालना रहता है तो गुणा हो जाता है। तो ए का वैल्यू हमारा कितना आया था 10 और बी का वैल्यू 9, तो 10/9 हो गया। फिर इसके बाद बी का वैल्यू देखिए कितना आया था 15 और सी का वैल्यू कितना आया है 4, तो 4 हो गया। दोनों का गुणा कर लेते हैं, 3 3 9, 3 5 15, 2 2 4 और 2 2 20, 2 2 5 10। इस तरह से आ गया 25/6, ये आ गया ए अनुपाते सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए का 40% बी के 60% के बराबर है, तो ए का 40% इक्वल टू बी के 60%, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 2 1 2 जा, 2 3 जा, तो ये बचा 2a=3b। नेक्स्ट है b का 20%, तो b का 20% इक्वल टू c के 30%, 0 0 से कैंसिल, 2b=3c आ गया। फिर ऐसे करते हैं a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c हमको निकालना है, तो a के सामने क्या है 3, b के सामने क्या है 2 रख दिए। अब इस वाले में आते हैं, b के सामने 3 रखे, c के सामने 2 तो 2 रखे। अब देखिए इसको अगर हम 2 से मल्टीपल कर दें इसको 3 से, तो ये दोनों बराबर हो गए, 3 2 6, 2 3 6, जो ऊपर किए हैं वही यहाँ भी करेंगे, जो यहाँ किए हैं वही इस वाले में भी करेंगे, 3 3 9 6, 2 2 4, ये आ गया आपका ए अनुपाते बी अनुपाते सी आंसर।